स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड आई होप यू ऑल हैव प्रिपेयर्ड योर लेसन विच आई गिव यू इन द प्रीवियस लेक्चर. इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन. नाउ आई एम कंटिन्यूइंग द टॉपिक टाइप्स ऑफ मोशन एंड वन टाइप इज रोटेटरी मोशन. I have explained you the translatory motion and the types of translatory motion. अब हमने पढ़ना है रोटेटरी मोशन को कि रोटेटरी मोशन हमारे पास होती क्या है. रोटेटरी मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक्सिस को समझना पड़ेगा कि एक्सिस होता क्या है. ठीक है, एक्सिस हमारे पास क्या है, एक लाइन या फिर हमारे पास जो पॉइंट है उसके इर्द गिर्द जो बॉडी मूव करी हो, तो उस लाइन या पॉइंट को हम कहते हैं उस बॉडी का एक्सिस. ठीक है, तो रोटेटरी मोशन में हमारे पास क्या है कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. ये डेफिनेशन आपको पेज नंबर 31 पर मिलेगी. और इसमें वो क्या बात करता है कि अगर कोई बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करती है तो उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, रोटेटरी मोशन में है बॉडी. ठीक है, अब एक्सिस का मैंने आपको बता दिया कि एक्सिस आपके पास क्या है, एक लाइन या पॉइंट जिसके इर्द गिर्द बॉडी मूव करती है, वो हमारे पास क्या है, उसका एक्सिस है. इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास कि आप एक स्टीयरिंग व्हील देखते हैं तो उसमें क्या है कि वो मूव कर रहा होता है सर्कल डायरेक्शन में. ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि वो उसका सेंट्रल पॉइंट के गिर्द जहाँ से वो अटैच होता है उसके इर्द गिर्द ही मूव करता है, तो हम कहते हैं कि वो जो सेंट्रल पॉइंट है उसका, वो उसका क्या है, एक्सिस है. ठीक है, और उसकी मोशन को अब हम क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन नहीं कहेंगे, उसकी मोशन को हम कहेंगे कि वो क्या है, रोटेटरी मोशन में है. ठीक है, कि ये हमारे पास जो इसकी स्टीयरिंग की है हमारे पास मोशन, वो क्या है, हमारे पास रोटेटरी मोशन है. इसमें सबसे पहले आपने इसकी रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन करनी है, वो हमारे पास क्या है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन. और उसके बाद आपने एक्सिस को एक्सप्लेन करना है. ये आपको डेफिनेशन मिलेगी रोटेटरी मोशन वाले टॉपिक में, सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन से स्टार्ट होगी. एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, तो ये हमारे पास क्या है, उसका एक्सिस है. और सर्कुलर मोशन में क्या है, इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट अबाउट विच अ बॉडी गोज अराउंड, वो हमारे पास क्या, उसका एक्सिस है. एक लाइन की बात करता है, एक पॉइंट की बात करता है, लाइन और पॉइंट दोनों एक्सिस हो सकते हैं. ठीक है, ये सबसे पहले आप उसकी रोटेटरी मोशन की डेफिनेशन देंगे, फिर एक्सिस की डेफिनेशन देंगे, फिर उसके बाद रोटेटरी मोशन की एग्जाम्पल देंगे. एग्जाम्पल्स में आप क्या लिखेंगे, द मोशन ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस, एक एग्जाम्पल ये होगी. सेकेंड एग्जाम्पल आपने क्या देनी है, द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस. ठीक है, ये आपने दो एग्जाम्पल्स दे देनी है इसकी रोटेटरी मोशन की. नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन में क्या होता है कि इसको अगर हम सिंपल मीनिंग में लें तो आगे पीछे हरकत को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. ठीक है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, ट्रू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन. इस डेफिनेशन में हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास ट्रू एंड फ्रो मोशन और एक हमारे पास वर्ड है मीन पोजीशन. ठीक है, मीन पोजीशन क्या होती है हमारे पास, कि सपोज कर लें कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट में है, एक स्प्रिंग की एग्जांपल ले लें, उसके साथ कोई चीज़ अगर अटैच है तो वो हमारे पास क्या है कि वो उस अभी रेस्ट पोजीशन पर है. ठीक है, आप क्या करते हैं, उसको आगे की तरफ मूव करते हैं, खींच कर क्या करते हैं, उस स्प्रिंग को आगे की तरफ लेकर जाते हैं, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी वो क्या करता है कि पीछे की तरफ मूव करता है और काफ़ी देर तक वो वाइब्रेट करता रहता है. मतलब कि जो उसकी सेंट्रल पोजीशन होती है उसके इर्द गिर्द जो है वो मूव करता रहता है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन. अब आपको मीन पोजीशन की समझ आ चुकी होगी कि मीन पोजीशन क्या है, उसकी सेंट्रल पोजीशन है जहाँ से हमने उस बॉडी को हिलाया था. ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो है बॉडी मूव करती रहती है. इसमें आपको एग्जांपल दी हुई है उसने पेंडुलम की, तो पेंडुलम में देखें यहाँ पर ये इसकी क्या है, उसकी सेंट्रल पोजीशन है, ये उसकी मीन पोजीशन है. वो यहाँ पर क्या है कि वो कभी यहाँ मूव करेगा, कभी यहाँ मूव करेगा, टू एंड फ्रो मोशन में रहेगा, लेकिन किसके इर्द गिर्द, अपनी सेंट्रल पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन के अराउंड ही मूव करेगा. ठीक है, वो हमेशा अपनी जो मोशन करते हुए अपनी मीन पोजीशन से ज़रूर गुजरेगा, आगे की तरफ जा रहा है, फिर पीछे अपनी मीन पोजीशन पर आएगा, देन पीछे जो है वो चला जाएगा.
ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये दरमियान वाली पोजीशन होती है तो इसको हम कहते हैं मेन पोजीशन, और जो आगे या पीछे जो भी पोजीशन आती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। दरमियान वाली पोजीशन को मेन पोजीशन, और जो हमारे पास आगे पीछे पोजीशंस आएंगी उसको हम कहेंगे एक्सट्रीम पोजीशंस। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फिज़िक्स में आपने डेफिनेशन के साथ एग्जांपल्स देनी होती हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि डेफिनेशन आप लिखें, यहाँ से आपको ये पिंक ब्लॉक में मिल जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। और फिर एग्जांपल की हेडिंग देके आप लिखेंगे, ये नहीं लिखना आपने वाइब्रेटरी मोशन, सिर्फ आपने मोशन से स्टार्ट करना है, नंबर वन लिखें और फिर लिखेंगे आप मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, ये एक एग्जांपल होगी। फिर नंबर टू लिखेंगे, उसमें लिखेंगे मोशन ऑफ अ चाइल्ड एंड अ स्विंग, ये दूसरी एग्जांपल होगी, ठीक है। आपने इस पूरे टॉपिक में सिर्फ यही जो है वो लिखना है डेफिनेशन और साथ में दो एग्जांपल्स, ठीक है। अब जो है आपका ये टाइप्स ऑफ मोशन वाला जो पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है कि ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन, ये इसकी थ्री मेन टाइप्स थी, ठीक है। और आगे हमने ट्रांसलेटरी मोशन की भी कुछ टाइप्स पढ़ी थी, वो हमारे पास क्या थी, लीनियर मोशन थी, सर्कुलर मोशन थी और रेंडम मोशन थी, ठीक है। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है कि आप इन डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। डेफिनेशन की हेडिंग मार्कर से होगी, एग्जाम्पल की हेडिंग भी मार्कर से होगी, और उसके बाद नीचे आपने जो अपना मटेरियल देना है वो आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है इसका, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर्स क्या होती हैं, अब हमारे पास वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको हम मैग्नीट्यूड से जो है वो डिफाइन कर सकते हैं और यूनिट से डिफाइन कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब देखें, आप बाज़ार जाते हैं तो आप उसे कहते हैं कि मुझे 2 kg जो है वो चीनी चाहिए, तो आपको देता है चीनी 2 kg। 2 क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है। जो नंबर्स होते हैं फिज़िक्स में हम उसको मैग्नीट्यूड लेते हैं, उन नंबर्स को हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड। और उसके बाद जो साथ में यूनिट होता है, मास का यूनिट क्या है, केजीज में लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 kg क्या है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें वो आपको डायरेक्शन नहीं दे रहा, आप उसको ये नहीं कहते कि मुझे 2 kg चीनी दे दो नॉर्थ में, ठीक है। तो जो आप देते हैं उसको कि सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड से जिन क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन किया जा सके, वो हमारे पास कौन सी वाली क्वांटिटीज़ हैं, वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो अब आपने इसकी डेफिनेशन देनी है, इसमें भी अ स्केलर क्वांटिटी इज़ डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड्स ओनली, ठीक है। मैग्नीट्यूड और यूनिट से अगर आप इसको डिफ़ाइन कर सकें तो वो हमारे पास क्या है, उसकी स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल में आप क्या दे सकते हैं, ये सारी उसने एग्जांपल्स दिखी हुई हैं डेफिनेशन के ऊपर वाली लाइन में ही हैं। एग्जांपल्स ऑफ स्केलर्स आर मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी। अगर आप देखें इन सब में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। मास की एग्जांपल मैं आपको दे चुकी हूँ, लेंथ की एग्जांपल भी दे चुकी हूँ, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको टाइम में भी आप नहीं, उसके डायरेक्शन नहीं आपको ज़रूरत पड़ती। आप ये नहीं कहते कि 3 घंटे हुए हैं साउथ में, 3 घंटे हुए हैं नॉर्थ में, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है। और उसके बाद स्पीड में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वॉल्यूम में भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वर्क में, एनर्जी में, इस इन सब चीज़ों में हमें जो है वो डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नीचे आ जाए, नीचे है हमारे पास वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स हमारे पास वो वाली क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब हमारे पास इसकी वेक्टर्स की एक एग्जांपल हम ले सकते हैं फोर्स की, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि आप 3 न्यूटन फोर्स लगाते हैं एक चेयर को खींचने के लिए। अगर आप चेयर को अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वो फोर्स की डायरेक्शन बताएंगे कि आप किस तरफ जो है उसको खींच रहे हैं। चेयर को अपनी तरफ खींचते हैं तो फोर्स आगे की तरफ लगाएंगे, तो जिस तरफ आप फोर्स लगाएंगे उसी तरफ आप एरो भी देंगे। आप उसको बताएंगे साथ कि मैंने इस डायरेक्शन में इतनी फोर्स लगाई है। फर्ज करें एक चेयर को खींचने के लिए आपको 3 न्यूटन फोर्स की ज़रूरत पड़ी है, तो देखिए इसमें 3 न्यूटन में 3 जो है आपके पास मैग्नीट्यूड है एंड न्यूटन जो है हमारे पास वो उसका यूनिट है, और उसके बाद जो आपने उसको आगे की तरफ खींचा है तो आपने फोर्स की डायरेक्शन बताई है कि वो किस तरफ आपने लगाई है, आगे लगाई है, पीछे लगाई है, साइड पे लगाई है, जहाँ मर्जी लगाई है, वो आपने उसकी उसकी डायरेक्शन दी है। तो फोर्स हमारे पास क्या बनती है, एक वेक्टर क्वांटिटी बनती है कि जिसको हम विदाउट डायरेक्शन जो है वो
एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही। ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन देंगे, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि वो वाली क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की ज़रूरत पड़े उसको हम क्या कहते हैं, कि वो हमारे पास कौन सी वाली क्वांटिटीज़ हैं, वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, और इसकी भी आपने साथ में एग्जांपल्स दे देनी है, डेफिनेशन ये है और एग्जांपल्स आपको ऊपर मिल जाएंगी। यहाँ पर जो है वेक्टर्स वाला टॉपिक है जिसमें ब्लू कलर की हेडिंग है, सेकंड लाइन से स्टार्ट करें, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर्स आर वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। ठीक है, ये सारी किसकी एग्जाम्पल्स हैं, हमारे पास वेक्टर्स की एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आपने डेफिनेशंस जो है अच्छे तरीके से याद करके उनकी एग्जांपल्स याद करके लिखनी है, तो इसमें भी आपने यही करना है। अब जो है आपका एक पूरा जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो गया है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ मोशन के नाम से। ठीक है, तो आपने क्या है सारी टाइप्स लिखनी है, इंक्लूडिंग टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, अगर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, तो सबसे पहले आप मोशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन की हेडिंग देंगे, फिर उसके बाद जो है आप जो है वो उसकी सारी टाइप्स लिखना स्टार्ट कर देंगे, और ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप्स भी इसमें लिखनी है। नेक्स्ट आपको स्केलर्स और वेक्टर्स जो है वो आपको शॉर्ट में ही आता है, या तो आपको सिंपली ये कह सकता है कि डिफाइन स्केलर क्वांटिटीज़, और उसके बाद यहाँ फिर ये कह सकता है डिफाइन वेक्टर क्वांटिटीज़, और यहाँ फिर कह सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ठीक है, तो वो आपने जैसे मैंने आपको बताया है कि आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल ही देनी है, वैसे ही आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है, और एक दफ़ा इसको जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर लें अपनी कॉपीज़ पर। ठीक है, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।